रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट, आपका मेज़बान शेख मुज़फ़्फ़र हुसैन। आज हम मौजूद हैं एक फिटनेस क्लब में। फिटनेस इंसान के साथ क्या मामलात करती है, ये वही जानता है जो फिट है, और जो फिट नहीं ये भी वही जानता है जो फिट नहीं। इसलिए फिटनेस के कुछ ख़ास असूल होते हैं, खाने पीने में भी, ज़िंदगी दूसरे मामलात में भी, लेकिन इसके साथ ये है कि वर्जिश एक ऐसी चीज़ है कि हमने सुना कि जहाँ खेलों के मैदान हो गए, वर्जिश के जो क्लब होंगे वहाँ पर अस्पताल काम हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग बीमार काम होते हैं, अपनी सेहत पे ख़ास तवज्जो रखते हैं। जब आप बंदा अपनी सेहत पर तवज्जो कर रहा होता है तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें भी खाने में त्याग करता है जो आजकल वबा की शक्ल में फैली हुई हैं, जैसे कि मनशियात वगैरह। ये इंतहाई गंदी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी को जीर्ण कर देती हैं, और ज़िंदगी का मज़ा तब भी होता है जब इंसान फिट होता है, पुरसकून होता है, उसकी सेहत होती है। जब इंसान एक बीमार हो तो उसको ज़िंदगी के मामला कुछ भी करने में मज़ा नहीं आता। तो आए आज देखें, हम फिटनेस के में लोगों की राय लेते हैं, पूछते हैं, आए हमारे साथ, हम इनसे पूछते हैं। जी आप भी ये जिम लगा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी स्टार्ट किया हमने भी, तो करना चाहिए, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि हमें इंसान को जो अदर एक्टिविटी है उनको छोड़ के हमें इस तरफ आना चाहिए। इस इंसान की एक तो सेहत ठीक रहती है, ठीक है, दूसरा ये कि इंसान बेहतर रहता है आगे से, करना चाहिए। यानी कि सेहत के लिए ज़रूरी है जिम करना? बिल्कुल ज़रूरी है, सेहत के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। आप अगर जिम स्टार्ट करेंगे तो आप काफ़ी जो आजकल की अदर एक्टिविटीज़ हैं आप समझ सकते हैं कि जो इंटरनेट पे आजकल सोशल मीडिया पर चल रहा है, उससे बेहतर है कि आप जिम स्टार्ट करें तो आप अपने आप को फिट रख सकें। नहीं, दूसरी ज़िंदगी दूसरे मामलात भी करें, लेकिन फ़िटनेस पर पहले ख्याल किया जाए। अगर फिटनेस नहीं है तो फिर समझें कि फिर बंदा ज़िंदगी में कुछ भी मज़ा नहीं ले सकता। बिल्कुल ऐसी है, फिटनेस इंसान की नीचे नहीं, फिटनेस के बगैर तो कुछ भी नहीं है आपके पास, ये तो है। और फिटनेस के लिए वर्जिश और इस तरह की एक्सरसाइज करना ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल ऐसी बात है, वर्जिश करना, एक्टिविटी, अगर क्योंकि वर्जिश के लिए आजकल हमारे जो लोग हैं वो जैसे पहले गांव में निकलते थे वर्जिश के लिए, काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे, अभी नहीं है, क्योंकि आजकल के काम और जो मसरूफियात हो गई हैं इंसान की, वो वर्जिश नहीं करने देती। लेकिन आप कोशिश करें, सुबह वर्जिश करें, फजर टाइम नमाज़ पढ़ें, उठे वर्जिश करें, उसके बाद अगर रात को आप थोड़ा टाइम निकाल के आधा घंटा एक घंटा आप जिम लगा लें तो आपकी वो भी वर्जिश है, ठीक है। आप वर्जिश करके वहाँ पर भी काफ़ी अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और काफ़ी फिट रह सकते हैं आप उससे, और ज़िंदगी दूसरे मामला बेहतर तरीके से बंदा सर अंजाम दे सकता है। आप बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। ये आपका नाम? जी। आप भी जिम कर रहे हैं? जी। कितना अर्सा हो गया? अभी थोड़ी टाइम हो गया, महीना हो गया। अच्छा, आप इसके लिए क्या समझते हैं कि जिम करना ज़िंदगी के मामला के लिए बहुत ज़रूरी है? जिम के लिए ज़रूरी तो है, फिटनेस होगी तभी तो कमज़ोरी नहीं होगी इंसान, अगर फिटनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर ज़िंदगी में इंसान फिट नहीं है तो दूसरे मामला आते भी उससे नहीं अच्छी तरह, उससे नहीं, उससे अच्छी नहीं, क्योंकि बीमार होगा, कमज़ोर होता जाएगा, फिटनेस होगी तो हमेशा जो है ना सही रहेगा, हार्ड वर्क कर सकता जी। बिल्कुल, और हार्ड वर्क करने के लिए एक्सरसाइज करना, जिम करना या कोई गेम खेलना बहुत ज़रूरी है, जाना कि दूसरे गलत कामों में पड़े बंदा। नहीं, गलत कामों का तो कोई फ़ायदा नहीं ना, अगर जिम करोगे तो वो आपके फ़ायदा, फिट रहोगे, गलत काम हो गए तो ये गलत नतीजा ही होता है आपको पता। और तकरीबन 10-15 मिनट आधा घंटा में ये सब हो जाता है? हाँ, यही बात है, आधा घंटा लग भी सकता है, जितना मसलन गेम का हिसाब होता है, अच्छा गेम लाओ तो अच्छा भी होता है। जी शुक्रिया। वालेकुम सलाम। ये आपका नाम? जैद। आप भी जिम कर रहे हैं? जी। कितना अर्सा हो गया? हमारे 1.5 महीने। अच्छा, तो जिम के बारे में आप क्या कहते हैं, ये जिम करना, वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल, ये जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, इंसान के लिए ज़रूरी है ना, कि अगर डेली बंदा वेला हो, सुबह वेला हो तो आ जाए, फिर बहुत अच्छी चीज़ होती है, सेहत की भी नहीं होती है, और बंदे ने अपने ख्याल रखना चाहिए, बस आ जाए तो अच्छी चीज़ है। फिटनेस होगी, सेहत होगी तो दूसरे मामला आते की ज़िंदगी बंदा अच्छे तरीके से कर सकता। जी जी बिल्कुल, अच्छे तरीके से कर सकता है, ये जिम जो है ना वो इंसान की ज़िंदगी में भी एक चीज़ है, इंसान को लगानी चाहिए, अच्छी चीज़ है। मतलब फिट नहीं फिर उसने क्या ज़िंदगी के दूसरे मामले, फिट है तो फिर बहुत सारे मामले कर सकता है। जी जी, हार्ड वर्क भी कर सकता है। जी जी बिल्कुल, फिट रहो तो फिर सब कुछ कर जाएगा, फिट नहीं होगे तो फिर क्या कर सकते हैं, फिटनेस बिल्कुल ज़रूरी चीज़ है। शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं इस जिम के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इमरान साहब, हम इनसे बात करते हैं। जी इमरान साहब, ये आपको कैसे ख्याल आया जिम बनाने का, लोग तो और भी बहुत सारे काम है करने को? सर मैं दरअसल 20 साल पहले इस्लामाबाद गया था, इस्लामाबाद तो वैसे ही मैंने स्टार्ट लिया, ठीक है। मेरे उस्ताद हैं शोक सिजाद साहब, जो मिस्टर साउथ एशिया हैं, तो उसके बाद मैंने फिर ये स्टेप लिया। एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है, हर बंदे को इस दौर में एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो बुनियाद है, अब जो हमारी डाइट चल रही है, जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फूड्स यूज़ कर रहे हैं,
उसकी वजह से ये जो एक्सरसाइज है ना हर बंदे के लिए 100% ज़रूरी है। और ये आपने सोचा कि ये फैज़ को आम करना चाहिए, जो आपको मिला ये भलाई की चीज़ आगे मैं पहुँचाऊँ, इसी नज़रिए के साथ आपने यहाँ पर लाखों रुपये जो है सरमायाकारी की। इसी वजह से पहले बेसिकली तो मैं इस्लामाबाद में ही करना चाह रहा था, लेकिन मेरा एक सेटअप जो है जलालपुर जट्टा सिटी में भी है। उसके बाद मैंने स्टेप लिया कि मैं अपने इलाके को भी, नज़दीक जो इलाका है मेरा उसको भी टच करूँ, ठीक है, यानी कि इधर भी बहुत ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है। दूसरा दही इलाका है ना ये, यहाँ पर ये चीज़ नहीं थी आपने करना। जी बिल्कुल, इसी की वजह से किया है कि लोग जो है ना इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। कुछ लोगों को नहीं पता है एक्सरसाइज के फ़ायदे के बारे में, नहीं पता है वो अभी तक भी, उनको पता होने के बावजूद नहीं मानते किसी बात, यानी कि सेहत के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब वो एक इंसान बंदा एक माह दो माह इधर इस्तेमाल करता है फिर उसको पता चलता है कि यार ये बेहतर था, बजाय कि दूसरे फजूल कामों में पड़ने के। बिल्कुल सही है, जिस तरह शुगर के मरीज़ हैं, ठीक है, ओवरऑल किसी भी बीमारी में मुलव्वस जो लोग हैं, अगर वो एक्सरसाइज करते हैं जिसमें फालज का किसी को अटैक हो जाता है, ठीक है, हार्ट का मसला है, उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, और अगर आपको मौका मिले तो आप इसको मज़ीद बढ़ाने का भी इरादा रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चौधरी वसीम, जो जिनके पास जायज़ की फ्रेंचाइज़ है नसरुल्ला मार की गुजरात, ये जो आगे हम मेन कचहरी रोड पे जाते हैं तो उस पर, और चौधरी वसीम एंड ब्रादर्स वो हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। मौजूद हैं चौधरी वसीम साहब, हम इनसे पूछते हैं, जी चौधरी साहब आप जिम में आए, देखा क्या महसूस किया और क्या आप अपना पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम जी, मैं इतने आया जनाब, देखे इमरान साहब का सैटअप तो मैं, मैंने बड़ी खुशी हुई है कि मैं दाखिल जो ही होया इमरान साहब सैटअप वेख के मैंने बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई, क्योंकि एक छोटे जे नौजवान साढ़े पिंड के लड़के ने बड़ा सोहना काम किया है, और टांडे वास्ते मेरे ख्याल बड़ा एक बहुत फखर वाला काम जरा किया है कि लोग वर्जिश कर, बीमारियाँ लोगों इन ज़्यादा हो चुकी ने बेशुमार, कोई समझ नहीं आया, अगर लोग वर्जिश कर बीमारियाँ तो इंशाल्लाह बच जाते, और इन्हें बड़ा अच्छा वर्क किया है, और मैं बड़ी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है। अल्लाह पाक के कारोबार मजीद बरकत करे और इनू तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी चीज़ा जड़िया इन्हें इतने रखी ने बहुत अच्छी ने वर्जिश वास्ते सेहत वास्ते, और मैंने बड़ा यानी कि मशीनरी वगैरह जो बहुत अच्छी है। हाँ मशीनरी बहुत अच्छी है, और बंदा अगर वर्जिश करता है तो जिस्मानी सेहत बहुत अच्छी रहती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर बंदा वर्जिश करे डेली अद्धा घंटा लाए या घंटा ला ले तो मेरे ख्याल से सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि लोगों का बुढ़ापा मोटा जिसम ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोगों का हो चुका है, यह चीज़ा खा खा के फालतू चटपटियाँ चीज़ा खा खा के लोग जो ने बहुत ज़्यादा सेहत मुतासर हुए हैं, किसी का कोई दर्द फलान जगह दर्द आ गई है, किसी का लक दर्द कर रहा है, किसी का जना बांह दर्द कर रही है, किसी का पूरा वजूद ही दर्द कर रहा है, जिसम दर्द कर रहा है, इस वास्ते बड़े जो मसले मसायल आ रहे हैं, वो इस वास्ते आ रहे हैं कि कोई बंदा भी वर्जिश करते ही नहीं है, सुबह उठ के जो बंदा उठ के सुबह नमाज पढ़ रहा है वर्जिश कर रहा है वो बिल्कुल सेहतयाब, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, तो वर्जिश बहुत जरूरी है, लेकिन इन्हें अपना टांडे